बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। मैं अभी ये एक भाई देख रहा था, भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था, उसी का कमेंट पढ़ रहा था कि भाई मैंने दो डोज ली हैं। आप भाइयों के लिए भी ये इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसी वीडियो में। मैं हाल ही में सफ़र कर चुका हूँ, जैसा कि जद्दा टू लाहौर के लिए, और अभी पाकिस्तान में अपने गाँव में हूँ। तो भाई बात यह है कि भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने दो डोज, भाई दो वैक्सीन लगवाई हैं, बूस्टर शॉट बोल रहे हैं या तीसरी डोज बोल रहे हैं, वो नहीं लगवाई है। तो क्या एयरपोर्ट के ऊपर मुझसे कोई भी किसी किस्म की तवक्कलना वगैरह या सेफ्टी वगैरह वाला पेपर या कोई और इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, इसके लिए मुझे गाइड कर दें। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके ऊपर मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी आप भाइयों के साथ यही है कि जब मैं वहाँ पर भाई मौजूद था बोर्डिंग के ऊपर, जहाँ पर हो रही थी, सरीन एयरलाइन हमारी थी, मैंने मुकम्मल व्लॉग आपके साथ वो शेयर किए हुए हैं, इसी चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो बोर्डिंग के ऊपर कुछ अफराद को अलहदा खड़ा किया जा रहा था, उनका ना तो वहाँ पर नेट चल रहा था और ना ही उनके पास तवक्कलना वाला पेपर था या सेहती वाला पेपर, दोनों में से एक नहीं था। एक हालांकि मौजूद था, मुझे भी एक भाई ने बोला कि आपने तवक्कलना वाला पेपर निकाल लिया, आपको सेहती वाले की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर भी वो वहाँ पर 5 रियाल दिए और उसकी रंगीन कापी अपने पास रख ली निकलवा कर, चलो यार जरूरत पड़ जाए ठीक है, वरना पाकिस्तान में जाकर भी हमारे पास सबूत प्रूफ है ना। तो बहरहाल बात करने का मकसद आप खानियों के साथ सिर्फ ये था कि ये बोर्डिंग के ऊपर जिन बंदों को साइड पर खड़ा किया हुआ था, उनको उनका नेट नहीं चल रहा था, मैंने अपनी वाईफाई लगा कर दी, उनका नेट ऑन हुआ, सेफ्टी का पेपर उनके पास मौजूद था, तवक्कलना का पेपर उन्होंने भाई नहीं था, तवक्कलना फिर उन लोगों ने अपनी ओपन करके उनको अपना हेल्थ पासपोर्ट निकाल कर दिखाया उनको, तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है। अभी इस बंदे आपके मैं मुतल्लिक बात करूंगा, अगर आप में से किसी भी भाई ने दो डोज ली हुई हैं जी, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर यानी कि सफर करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लिए, तो आपको क्या दोनों डोज के लिए क्या जरूरी होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दूं भाई कि आपको जब आप टिकट करवाएंगे वहीं से आपको वो एजेंट बोल देगा कि अपना पीसीआर टेस्ट भी करवा लें। पीसीआर टेस्ट उन बंदों के लिए मुआफ है जिन बंदों ने तीन डोज ली हुई हैं, ठीक है। जिन बंदों ने दो डोज ली हुई है उनको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। जब आपका पीसीआर टेस्ट हो जाएगा आपका 150 रियाल अजाफी लगेगा, आपने बूस्टर शॉट अगर नहीं लगवाई है तो वो आपकी जो टिकट है उसके साथ लगेगा। उसके अलावा आपको तवक्कलना वाला पेपर एंड सेहती वाला पेपर ये भी अपनी टिकट के साथ रखना लाजम होगा। साथ ना रखे वैसे फोल्ड करके जेब में डाल ले, वहां पर वो बोर्डिंग के ऊपर पूछ लेते हैं। पीसीआर टेस्ट आपका लाजम होगा, आपसे जरूर पूछा जाएगा, उसके बाद सेहती एंड तवक्कलना वाला पेपर भी आपसे पूछा जा सकता है। बेहतर यही है कि बूस्टर शॉट सऊदीया से लगवा लें, बेस्ट है। पाकिस्तान में अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो वैक्सीन वगैरह के हालात है, बूस्टर शॉट का अभी तक तो नाम ही नहीं है। कई बंदे तो मैंने अभी भी देख रहा हूँ जिन बंदों ने लगवाई नहीं है, किसी ने एक लगवाई हुई है बस उसी के ऊपर घूमे जा रहा है। बहुत कम ऐसे अफराद है जिनको दो लगी हुई है, बूस्टर शॉट का यहाँ पर नाम ही नहीं है। तो बूस्टर शॉट वहाँ से लगवा लें, वो बेस्ट है आपके, आपकी सेफ्टी के लिए भी। आपको जो 150 रियाल लगेगा आपका पीसीआर का वो भी बच जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी आप बआसानी जिधर मर्जी आए जाएं आपके पास उसका प्रूफ भी होगा।